में ये चीजें देख ले। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज मैं सीधा जंप करूंगा टूवर्ड्स दी लैब। लैब स्टार्ट करते हैं ये वाली ना। तो ये वाली लैब हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो चले मैं इस तरह करता हूँ, मल्टी सिम में जाता हूँ और लैब जो है ना हम स्टार्ट कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, ये इसके बाद वाली लैब है, मगर उससे पहले मैं एक न्यू खोल के लिंक सिंगल फेज वाली लैब हम कर लेते हैं। तो चलें पहले सर्किट बनाते हैं। हमें डायोड चाहिए तीन, एक दो और ये होगी तीन। ठीक है, ये वही पावर डायोड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसकी लैब हम कर चुके हैं IDP। अच्छा ये डायोड मिल गया हमें। अच्छा मुझे थ्री फेज की सप्लाई पिछली दफा नहीं मिल रही थी, तो वो मैं बता देता हूँ वो कैसे आप मिलेगी। ये सोर्सेज में जाए ना, ये पावर सोर्सेज, तो ये एसी पावर है, डीसी, ग्राउंड। इसमें नीचे आएंगे ना हम थ्री फेज जो वाई वाली है ना, वाई डेल्टा कनेक्शन आपने पढ़े होंगे, तो ये हम इसमें यूज करें। तो ये मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मुझे चाहिए रजिस्टर, एक चाहिए मुझे। तो प्लेस में जाके कंपोनेंट्स, और मुझे क्या चाहिए रजिस्टर। ये इधर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लेने 1 किलो ओम का जो है ना रजिस्टर ले। ठीक है, अच्छा हम क्योंकि इसमें थ्री फेज सप्लाई यूज करें, तो हमारे पास दो टाइप के ऑसिलोस्कोप है। एक सिंपल ऑसिलोस्कोप है ये वाला ना, ये, और एक ऑसिलोस्कोप है इससे नीचे आपको मिलेगा, इसमें 4 चैनल है ना। तो क्योंकि मेरे पास सप्लाई इसमें 3 फेज सप्लाई है, तो वो मैं इसके साथ जो है ना कर लूंगा कनेक्शन। ठीक है, ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर भी चले, वोल्टमीटर भी एक में यहाँ कर लेता हूँ, अगर मैंने वोल्टेज मेजर करना हो। ठीक है, तो ये मुझे अब मैंने क्या करना है, सर्किट बनाना है। सर्किट आप किस तरह से बनाएंगे, वो लैब मैनुअल पिछले पर मैंने आपके साथ शेयर की हुई ऑलरेडी ना। तो मैंने कुछ भी नहीं करना, ये मेरे पास वाई कनेक्शन है, ये ऑलरेडी मुझे मिल गया है। मैं इसकी इनपुट की सेटिंग कर लेता हूँ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, और फिर एक रजिस्टर लगाते हैं और उसके कॉमन के साथ ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, और ये मैंने कनेक्शन जो है ना करने हैं। तो चले हम इसको जो ना सर्किट बना लेते हैं पहले। अच्छा मैं ये तीनों सेलेक्ट करके इसको रोटेट ठीक है, ये लीजिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहला फेज, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूं, ये है 120 ना, इसमें सही है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा बाकी जो डायोड की तीनों टर्मिनल है उसको हम कॉमन करके इसको मैं रोटेट कर लेता हूं। ये
ट्राईआउट की जो तीनों टर्म है ना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू सर? ओके, यहां से हमें ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो थर्ड है ना, दिस इज द कॉमन, ये सबका कॉमन है, तो ये मैं इसके साथ जो है ना रजिस्टर के साथ मिला लेता हूं और इसको मैं साथ ग्राउंड भी कर देता हूं। ठीक है, तो अब बताओ हमने आउटपुट कहां से लेनी है, वो बताने के लिए मैं आपको पहले लिस्ट में ले आता हूं ना। तुमने मैनुअल लैब मैनुअल आप खोलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने आउटपुट कहां से लिया। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा एक तरह से। तो मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट लूंगा वो मेरे पास जो है ना आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये मुझे 100 ओम का लगाना चाहिए, तो इसको जो मैंने वहां पे किया हुआ है इसको मैं 100 ओम कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लिक करके हम 100 ओम कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। असल में दूर करता हूं ताकि पॉसिबल। ये अब आपको विजिबल होगा। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैंने इस ऑसिलोस्कोप पे, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कर लेता हूं, इसको पहले चैनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं, इसको फिर दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूं, इसके बाद इसको तीसरे चैनल के साथ कनेक्ट कर। ठीक है, मल्टीमीटर से देख लो। इस पर क्लिक करके हम वोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे एसी करना चाहिए ना, एसी मैंने सेलेक्ट करा। और इस ऑसिलोस्कोप मैंने पहले सिमुलेशन रन करता हूँ, फिर आपको ऑसिलोस्कोप की सेटिंग बताता हूँ कैसे आपने करना। तो ये जी रन सिमुलेशन, पहले हम इनपुट कर लेते हैं। तो ये जो चैनल है ये ए है ना, इसको इसके डिवीजन हम कर लेते हैं 200 वोल्ट्स। चलिए 200 सही है। मैं बी पे क्लिक करता हूँ और बी को भी कर लेता हूँ 200। ठीक है, और इसी तरह फिर मैं सी पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 200। इसको मैं रिवर्स करता हूँ। ठीक है, और ये सिंगल अगर मैं करूँ। ठीक है, ये अब आपके पास इनपुट आ रही है ना, ये बेसिकली थ्री फेज इनपुट है। ठीक है, क्या है, बेसिकली थ्री फेज इनपुट है मेरे पास। तो ये इस वक्त अभी आपको क्लियर इसलिए नहीं है कि एक ही कलर है, मैं इसको मल्टी कलर करके ना भी कर सकता हूँ, मगर इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली आपके पास थ्री फेज जो है ना इनपुट है। ये एक फेज हो गया, फिर दूसरा फेज हो गया और फिर तीसरा फेज हो गया। एक जो आपके पास है उसकी विड्थ 200 है, तो ये 200 से ज्यादा है ना, 220 के लगभग है, इसलिए ये आपके पास वोल्टेज उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास आ गई इनपुट। अब मैं आपको ना साथ साथ आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आउटपुट हमने चैनल ए पे ली हुई है, ये आप देखें, ये देखें आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर ये बना हुआ है। ठीक है, लगा आपके ऐसी रहे जैसे ये,
ठीक है, स्केल आप सेलेक्ट करें, इसमें जो रिपल्स आ रहे ये हमने पढ़े थे आपको, रिपल फैक्टर वगैरह ये चीजें आप इसकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये साथ आप यहाँ पे मल्टीमीटर भी आप आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख ले कितना आ रहा है आपके पास, 46। ये असल में जो इसमें जो फेज एड है ना वो आपको नहीं दिखा रहा, इसमें तकरीबन आपके पास 200 वोल्ट्स एड है ना, अगर आप यहाँ पे देखिए वो ऑफसेट के अलावा, ये आपको जो रिफल्स आ रहे हैं ना वो बता रहे हैं कि तकरीबन इसमें जो वेरिएशन है वो 46। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर, ये मल्टीमीटर में डीसी सेलेक्ट नहीं करेंगे? इसमें अगर डीसी में सेलेक्ट करता हूँ ना वो आप देख ले, वो देख ले, अगर आप डीसी सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको फिर वो डीसी ऑफसेट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं ना, अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं वो इसका डीसी क्या कर लेगा, ब्लॉक कर देगा, वो फिर पूरा आपके पास एसी आ जाएगा। अगर इसमें दो चीजें हैं ना, साथ साथ एसी भी है और डीसी भी है, वो डीसी ऑफसेट आपको दिखाना शुरू कर देगा। हम डीसी के ज्यादा रिपल्स में इंटरेस्टेड है ना, तो अगर आगे कैपेसिटर आप लगा दें तो ये फिल्टर आउट हो जाएंगे, जिस तरह आपने वहां पे देखा होगा। ओके सर, ये लैब क्लियर है आपको? कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लें, इसको भी मेरी ऊपर क्लियर है सर ये आपको। ठीक है, तो ये अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये आपकी रेक्टिफिकेशन हो रही है। क्या इफेक्ट होगा अगर आप रजिस्टर को वेरी करें, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरह आपने करनी है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। ठीक है, इनपुट से आप आउटपुट किस तरह से करते हैं, वो दोनों चीजें इसमें आ गई। इसमें एसी वाला पोर्शन का भी बता दिया आपको वोल्टेज, और वो डीसी वाले का भी आपको बता दिया कि डीसी ऑफसेट बेसिकली इसमें ऐड है, क्योंकि अभी हमने कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो वैसे अगर आपने डीसी बनाना होता है आपका काम, तो आपने इस रिपल्स को क्या करना होता है, स्मूथ करना होता है। अगर आप कैपेसिटर लगा दें इसके साथ तो ये रिपल्स आपकी स्मूथ हो जाएंगे और आपको डीसी मिलता जाएगा। आगे एक और फिल्टर वो कर दे, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दे, ये पूरा आपको डीसी मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी तक ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, फिर मैं दूसरी लैब की तरफ। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराया कि पिछले पर भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने जो है ना कैटर कर, ये मैंने स्टॉप किया, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर हम जाते हैं दूसरी लैब की तरफ। सिमुलेशन हम सेव नहीं करना चाह रहे थे, चले मैं इसको नाम दे देता हूं थ्री फेस स्टार रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, अब हम एक नई फाइल खोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो थ्री फेज वाला है, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव का। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें ये सिर्फ पॉजिटिव जो साइड है उसको फिल्टर कर रहा है, जो नेगेटिव साइड है उसको ये ब्लॉक कर देगा। क्योंकि अगर आपके ये डायोड्स की पोलैरिटी देख लें, ये सिर्फ पॉजिटिव वाले में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तीन हमने इसलिए कहा कि मेरे पास थ्री फेज इनपुट है। क्लियर है आपको ये? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने क्या लगाना हो, फुल वेव बनाना हो, तो क्या करूंगा? इसी लैब के आगे हमने किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लैब मैनुअल आपसे शेयर किया हुआ है ना,
उसमें उसका सर्किट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेयर हो रहा है आपके पास, ठीक है? तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है? अब हम फुल वेव के लिए करेंगे, ठीक है? उसमें आप नंबर ऑफ डायोड्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है? एक जो डायोड का पोर्शन होगा वो पॉजिटिव में कंडक्ट करेगा और दूसरा आपके पास किस में कंडक्ट करेगा, जो आपकी नेगेटिव लूप आएगा उसमें जो है ना कंडक्ट करेगा। तो वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। चलें, स्क्रीन के आप लोग ये क्लियर है। अच्छा, मैं यहां से जाता हूं फाइल न्यू में और ये मैं बना लेता हूं गेट, ठीक है? उसी तरह से मैंने कंपोनेंट्स में जाना है। सबसे पहले हम सोर्स में जाते हैं और सोर्स में मुझे थ्री फेज वाई कनेक्शन, ठीक है, यहां से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं डायोड सेलेक्ट करता हूं, कंपोनेंट्स और उसके बाद मैं यहां से सर्च करता हूं। ये डायोड आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। बल्कि समझाने की हद तक अगर मैं आपको ये करूं कि तीनों को मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है? और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, अच्छा इसको मैं रोटेट कर लेता हूं। तो मैंने कुछ भी नहीं करना, वही उसी तरह की कनेक्शन करने हैं। हाँ, इस केस में भी मुझे रजिस्टर चाहिए ना, एक ही फेस के साथ एक पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया। जब जाहिर है पॉजिटिव लूप आएगा तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, जब नेगेटिव आएगा तो ये करेगा, मगर साथ साथ हम रजिस्टर भी कनेक्ट कर देंगे। मैं दो लगा देता हूं, इसको मैं रोटेट कर,
तीनों को ज्वाइन करके हम इस रजिस्टर के साथ क्या कर लेते हैं। और जो फोर्थ कॉमन होगा ना वो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों रजिस्टर को कॉमन करता हूँ और ये मैं कनेक्ट कर लूंगा। अच्छा, इसी तरह ये दूसरा फेस सिमिलरली थर्ड फेस और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इन डायोड के साथ। ठीक है, साथ मैंने ग्राउंड कनेक्ट करना है तो सोर्स में मैं जाता हूं ग्राउंड। इसका कॉमन जो है ना वो ग्राउंड कर ये हो गया। अब मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए, तो पहला मुझे चाहिए फोर्थ चैनल इनपुट के लिए, और क्योंकि मेरे पास मैं तीन तरह से इनपुट आउटपुट देखना चाह रहा हूँ। एक मैं ये वाली इसके क्रॉस आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, एक इसके क्रॉस आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, एक ओवरऑल आउटपुट देखना चाह रहा हूँ जो दोनों के क्रॉस होगा। वो क्या होगा कि मैं एक यहाँ पे और एक इसके क्रॉस इनपुट लगाऊंगा, फिर मेरे पास ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा। एक ऑसिलोस्कोप दिस इज फॉर ओवरऑल, तो एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए, दिस इज फॉर पॉजिटिव और ये जो है ना नेगेटिव के लिए हम लगा रहे हैं। एक मिनट में स्क्रीनशॉट इसको सेंड कर दूं। और मैंने क्या करना है, इस ऑसिलोस्कोप पे ओवरऑल आउटपुट लेनी है, ये पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के क्रॉस होगा। और ये ऑसिलोस्कोप मैंने आपको बताया कि ये जस्ट फॉर पॉजिटिव के लिए, तो एक पॉजिटिव पे लगाऊंगा और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू जो रेफरेंस लिया हुआ है ना वो है ग्राउंड ना, वो हमने मिड पॉइंट लिया हुआ है। और इसी तरह जो तीसरा ऑसिलोस्कोप है उस पे हम ये नेगेटिव वाला और दूसरा एंड इसका जो है ना हम लगा देते हैं ग्राउंड। ठीक है, अच्छा तो चलें अब मैं जो है ना सिमुलेशन रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसकी सेटिंग कर लूं, एक मिनट स्टॉप सिमुलेशन, और इसको मैं 220 वोल्ट कर देता हूं, 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और अब मैं इसको चलाता हूं। रेजिस्टेंस चले मैं फिलहाल 1 किलो ओम रखता हूं, बाद में इसको 100 ओम करके देख लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले क्या करते हैं चैनल की सेटिंग कर लेते हैं 200 वोल्ट, फिर मैं दूसरे पी चैनल की सेटिंग कर लेता हूँ ये भी 200 और इसी तरह फिर मैं सी कर देता हूँ इसको भी 200 कर लेता हूँ। चलें अब मैं सिमुलेशन रन करता हूँ, अब आ रही है तीन। ठीक है, सो थ्री फेज मेरे पास इनपुट आ रही है, क्लियर है ये।
जी मैं इसको रिवर्स कर लिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ऑटो करूंगा तो खुद ही एडजस्टमेंट कर लेगा। अच्छा सिंगल भी मैं कर सकता हूँ, नॉर्मल भी कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये मेरे पास इनपुट है और ये थ्री फेज इनपुट है मेरे पास। अब मैं बारी बारी आपको ओवरऑल आउटपुट दिखाता हूँ, फिर पॉजिटिव वाली साइकिल की और फिर नेगेटिव वाली साइकिल। तो इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है इसमें डीसी ऑफसेट ऐड होके आ गया है। 200 वोल्ट्स थोड़ा सा कम है क्योंकि थ्री फेज है डीसी आउटपुट मेरे पास और ये फुल वेव है ना। अब आपके पास जो आउटपुट आएगी ना वो जो आपने हाफ वेव में पड़ी थी उससे क्या है, डबल आ रही है ना। ये देखिए मैं 500 पे करूंगा, तकरीबन 500 वोल्ट्स की लगभग मेरे ये 524 वोल्ट्स की, इसमें डीसी ऑफसेट ऐड है, बाकी रिपल्स है ठीक है आपके पास। वो अगर आप इसके रिपल्स वगैरह करना चाह रहे हैं ठीक है, वो भी आप ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। स्केल एडजस्ट करने ठीक है, ये क्लियर है आपको। अच्छा ये हो गया ओवरऑल आपके आउटपुट तकरीबन 500। अब एक एक करके आपको दिखाता हूं, ये पॉजिटिव वाली इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। तकरीबन ये हाफ आ रही है उससे, देखें 200 पिछली दफा जिस तरह हमने की है उसी तरह आउटपुट आ रही है ठीक है। और ये बात नेगेटिव वाली ये भी उसी तरह होगी ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड है, क्लियर है। ये अब आप देख ले, अब आपको समझ भी आ गया होगा कि फुल वेव में और हाफ वेव में आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें ऑलमोस्ट आपके आउटपुट डबल आ रही है ठीक है, बाकी